केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। मैं केलांचल टाइम्स, मैं हूं ओंकार झा। बिहार में चुनाव का दौर है, आचार संहिता लग चुका है और नॉमिनेशन भी हो चुका है। इसी से तकरीबन बांका से तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर खरौंदा जोठा पंचायत के पंचायत समिति अनु आर्या जी से बातचीत करते हैं। आप पहले प्रमुख भी थी, इस बार आप फिर पंचायत समिति का चुनाव लड़ रही हैं। आपके चुनाव लड़ने का क्या उद्देश्य है? जनता का फिर से सेवा कर सके। और क्या क्या काम करेंगी अगर आप चुनाव जीतती हैं? आपके दायरे में जो जो काम आता है उसको आप कैसे करेंगी? क्या क्या काम है जो आप करना चाहते हैं? जो मेरे योजना में आएगा, घर, रोड बनाना, जैसे गांव में नाली, और भी जो मतलब जनता का समस्या सुनना, पैसा या किसी चीज का जो हमको जनता शिकायत करेगी उसको हम अच्छी तरह से। आपके द्वारा क्या क्या काम किया गया होगा, कुछ काम बताएं, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य बताएं जो आपके द्वारा किया गया है। बहुत जगह चौपाल बना है। आइए अब हम अनु जी के प्रतिनिधि जी से बात करते हैं। सर, सभी जनता का मेरा कोटि कोटि धन्यवाद, सप्रणाम। मैं सभी के उपलक्ष में ही आप लोगों के सहयोग से मैं चुनाव में भागीदारी दिखा रहा हूं, ताकि मुझे आप लोगों का समर्थन मिले और मैं आप लोगों की सेवा बार बार कर सकूं। जिसके बारे में कि क्या कहा जाए कि पूर्व में जो भी मैंने किया है, क्या क्या किया, जैसे आपने काम बताया पूर्व में मैंने किया, क्या क्या काम हुआ? ब्लॉक का, पूरे ब्लॉक का सौंदर्यीकरण, चारों बगल पीसीसी, यानी कि आप ब्लॉक में जिस जगह खड़े रहेंगे, आप जिधर सर घुमाएंगे, जिधर देखेंगे, उधर मेरा ही सौजन्य अनु आर्या का आपको बोर्ड मिलेगा। जिस पंचायत से मैं चुनाव भी लड़ा, वहां भी मैंने सर्वांगीण विकास किया, सभी जगह एक दूसरे का सम्मान पूर्वक सुना, क्या आदेश था वो मैंने उसको उनको सही मार्गदर्शन दिया। चाहे जनता वृद्धा पेंशन के लिए आती हो, चाहे इंदिरा आवास के लिए आती हो, चाहे जाति आय आवासी बनाने के लिए आती हो, सभी का मैंने भरपूर सहयोग किया और सही मार्गदर्शन बिचौलियों से बचा। लगभग आपके द्वारा कितना इंदिरा आवास, जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना बताते हैं, कितना करवाया गया? प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं थी, इंदिरा आवास। उस समय इंदिरा आवास थी, मैंने ब्लॉक में कैंप लगा के माननीय लोगों को भी बुला के, सभी उस विभाग के पदाधिकारी को बुला के, सबके सामने में मैं इंदिरा आवास 200 से 150 पर डे बंटवा देता था। पर डे वृद्धा पेंशन कितना पास करवाए होंगे आप? वृद्धा पेंशन जो ब्लॉक में जितना जोन पंचायत से आता था वो सारा, लगभग किसी महीने में 100, किसी महीने में 200, इस तरह की समस्याएं। लगभग टोटल कितना दिया गया होगा आपके तरफ से? लगभग तो 1000 से ऊपर होगा। 1000 से ऊपर आपने वृद्धा पेंशन दिया है, और इंदिरा आवास भी लगभग लगभग इंदिरा, हाँ, 500 से 1000 के बीच में। शौचालय के लिए कुछ लोग कह रहे थे कि पैसा नहीं आता है, मुखिया से बात करते हैं, तो शौचालय भी आपने पास करवाया? उस समय शौचालय बहुत कम लोगों में जागरूक नहीं थे, उतने शौचालय बनाने पे जोर नहीं देते थे, सब 10 में 5 लोग शौचालय के लिए ही केस आते थे, जो आते थे उसका शौचालय बन जाता था। आप इस बार अगर पंचायत समिति का चुनाव दोबारा जीतते हैं, अभी आप प्रमुख हैं, प्रमुख प्रतिनिधि हैं, और इस बार पंचायत समिति के प्रतिनिधि हैं, चुनाव जीते हैं, तो आपके द्वारा क्या क्या काम होगा? यदि हम पंचायत समिति फिर से बनते हैं, तो जिस क्षेत्र से हम पंचायत समिति बनते हैं उस क्षेत्र में हम यही कोशिश करेंगे कि सप्ताह में कम से कम क्षेत्र में एक दिन जनता के बीच में जाए और एक छोटा सा जनता दरबार लगा के जनता का समस्या सुने कि उस क्षेत्र में जनता को क्या समस्या हो रही है, कोशिश करेंगे कि उसको बिचौलियों से बचाए। यदि हम प्रमुख बन जाते हैं तो जो भी राशि में सरकार के द्वारा आवंटित होती है या जो भी राशि आती है वो जनता के सामने रख के उनसे पूछ के कहा जाएगा कि आपको क्या करवाना है, आप लोग 10 लोग जिसका सहयोग कर दीजिएगा वही काम को हम पूरा करवा देंगे। प्राथमिकता किस किस काम को देंगे, सबसे पहला प्राथमिकता किसको देंगे? प्राथमिकता अभी सबसे पहले हम देखेंगे कि
किसी योजना से जहां रोड जहां लोग नहीं जा पा रहे हैं उस समस्याओं में हैं, उस रोड को हम जोड़ने का कोशिश करेंगे, एक दूसरे पंचायत से पंचायत को जोड़ने का कोशिश करेंगे, किसानों को देखेंगे कि किस छिटका उटका से जल नहीं आ पा रहा है उसमें क्या समस्या है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा वो काम करेंगे। युवाओं के लिए और कुछ बच्चों के लिए शिक्षा संबंधी काम कैसे करेंगे? शिक्षा संबंधी की उसकी निगरानी को हमको देखना पड़ेगा। यदि स्कूल उसके अंतर्गत जो भी स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं उस स्कूल को हम देखरेख करेंगे और वहां के लोगों को आदेश देंगे कि आप भी 20 से 50 लोग जाके देखिए कि मेरा बच्चा क्यों पढ़ रहा है। आज की शिक्षा व्यवस्था ये हो गई है कि बच्चा को ये पूछा जाता है कि बेटा खाना खाया था स्कूल में, क्या खाना मिला था, लेकिन किसी का गार्जियन ये नहीं पूछ पा रहा है कि बच्चा आज तुम क्या पढ़ा। तो गार्जियन को भी जागरूक करेंगे कि आपका बेटा जिस स्कूल में जाता है उस जब बेटा आपका स्कूल से आता है तो उसको पूछिए कि बेटा आज क्या पढ़ाई हुई है दिखाओ, और जो भी आपको शिकायत हो वो डायरेक्ट जाके बोलिए कि मेरा बेटा इसमें पढ़ाइए लिखाइए, ये नहीं कि मतलब कि खाना क्या बना। जैसा कि आपने बताया कि शिक्षा पे भी सुधार करेंगे, शिक्षा पे भी सुधार, स्वास्थ्य के बारे में क्या सोचे हैं? स्वास्थ्य पे तो बीमार होते हैं, ध्वरिया जाते हैं यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर, हाँ तो उसके लिए उसकी व्यवस्था कैसे करेंगे? स्वास्थ्य उपकेंद्र को हम फिर से सोच रहे हैं कि उसको कुछ पुनर्गठित किया जाए या पुनर्जीवित किया जाए, जिससे कि वहाँ आशा और NM जो भी है वहाँ आके बैठे, वहाँ के लोगों को देखे, वहाँ के पेशेंट को देखे। ये मैं जागरूक कर रहा हूँ और अभी इसके पीछे मैं लगा हुआ भी हूँ। माननीय विधायक जी से भी वर्तमान में जो विधायक है उनसे भी मैं ये स्वास्थ्य उपकेंद्र धुरैया श्री पाथर की शिकायत किया हूँ। अब देखिए उस पर क्या कार्रवाई होती है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक स्वास्थ्य केंद्र चालू हो। इस बार आप अपने जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील यही करना चाह रहा हूँ कि एक बार आप लोगों के सहयोग से मौका दीजिए, आप बनाइए। यदि आप हमको अच्छा देखिएगा तो फिर से बुलाइएगा, नहीं देखिएगा तो हटा दीजिएगा, सीधी सी बात है। लेकिन आप थोड़ा सा सहयोग कर दीजिएगा तो हम आप लोगों को आगे के बारे में भी सोचेंगे। क्या नाम है सर आपका? ज्ञान आर्य। पंचायत समिति प्रतिनिधि अनु आर्या के प्रतिनिधि।